नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद्य। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी T20 सीरीज है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले IPL में जरूर खेलते नजर आएंगे, लेकिन किसी टीम के साथ सीरीज खेलने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। बहरहाल इस लिहाज से भारत अफगानिस्तान सीरीज काफी अहम होने वाली है। भारतीय टीम के ओपनर की इस समय तलाश है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनर की तलाश में है। रोहित शर्मा के साथ आखिर ओपनिंग कौन करेगा, बड़ा सवाल है। T20 वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। दरअसल पिछले 14 महीनों में रोहित शर्मा के पार्टनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल समेत 5 बल्लेबाजों को आजमाया जा चुका है, लेकिन यह तलाश अब तक मुकम्मल होती नहीं दिख रही है। वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के लिए परफेक्ट ओपनिंग पार्टनर तलाशना टीम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इन बल्लेबाजों को बतौर ओपनर आजमाया भी गया है, लेकिन पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर के तौर पर ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को आजमाया गया, लेकिन यह तलाश पूरी नहीं हुई। इसके अलावा बतौर ओपनर KL राहुल और संजू सैमसन को भी आजमाया गया, लेकिन भरोसे पर खरे उतरे नहीं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 15 बार KL राहुल के साथ पारी का आगाज किया है। वहीं ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा ने 5 बार ओपनिंग की, जबकि ऋषभ पंत बतौर ओपनर रोहित शर्मा के साथ 3 बार उतरे हैं। सूर्यकुमार यादव 2 मैचों में रोहित शर्मा के साथ साझेदारी करते नजर आए, साथ ही संजू सैमसन को ओपनिंग करने का मौका मिला। बहरहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनर किस बल्लेबाज को आजमाया जाता है, क्योंकि शुभमन गिल अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते हमने देखा कि दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उनको ड्रॉप कर दिया गया। यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला जो है इन एंड आउट वाला है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा को तलाश है अपने सलामी बल्लेबाज की, जो उनके साथ T20 वर्ल्ड कप में बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर खेलने आए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि रोहित के साथ ओपनिंग करना चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।